सिलेबस तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये चीज जो आज आपको हम बताने वाले हैं, ये कह सकते हैं टेक्निकल सिलेबस का आप लोग का काम करेगा। अगर आप लोग इसका अच्छा से एनालिसिस कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप लोग का समझिए 50% तैयारी तो यहीं पे हो जाता है। क्योंकि सबसे आपको मेहनत करना है सबसे पहले साइंस पे। साइंस अगर आपका पढ़ लेते हैं आप अच्छे से, तो क्वेश्चन आपके नहीं छूटेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि उनको पढ़ना क्या है और कितना ज्यादा मेहनत किस विषय पे करना है, क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं बिहार पुलिस से संबंधित तब। ठीक है, तो ये चीज को देखिए और पूरा देखिएगा इसको। हम बहुत सारे महत्वपूर्ण बात भी इस वीडियो में करेंगे इस बिहार पुलिस से संबंधित। बिहार पुलिस का सिलेबस, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि टेक्निकल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए आप लोग सिलेबस बहुत सारा जानते होंगे, बहुत सारा देखे भी होंगे यूट्यूब पे चाहे कहीं और भी, तो सिलेबस तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये चीज जो आज आपको हम बताने वाले हैं, ये कह सकते हैं टेक्निकल सिलेबस का आप लोग का काम करेगा। अगर आप लोग इसका अच्छा से एनालिसिस कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप लोग का समझिए 50% तैयारी तो यहीं पे हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि उनको पढ़ना क्या है और कितना ज्यादा मेहनत किस विषय पे करना है। अगर ये चीज आप लोग को पता हो जाएगा तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान हो जाएगा आप लोग के लिए पढ़ना। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सिलेबस कह सकते हैं, इसको टेक्निकल सिलेबस भी कह सकते हैं। नॉर्मल में आप लोग देख लीजिए इसका मैथ, साइंस, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज आपको जो हम बताएंगे वो 2010 में पूछा गया प्रश्न, 2012 में, 2014 में, 2017 में, 2020 में किस टाइप के प्रश्न आए थे और कहां कहां से किस पोर्शन से प्रश्न आए थे, तो ये सब आपको जब बता देंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी भी करना आज से स्टार्ट कर दीजिएगा वो विषय पर जो आपका कमजोर है और इसमें वो पोर्शन मजबूत है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो मैथ देख लिए आप लोग, इसमें पूछा जाएगा, इसमें साइंस का वेटेज काफी रहता है। इसमें आर्ट्स कह लें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब जो रहता है इसमें ज्यादा पूछा जाता है। आर्ट्स, हिंदी कह लें, हिंदी का भी वेटेज इसमें, हिंदी से क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं। फिर इंग्लिश से भी क्वेश्चन कुछ दे दिए जाते हैं इसमें, तो हिंदी इंग्लिश को तो कॉमन रखता ही है ये बिहार पुलिस। और इसमें सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट कौन सा होगा उसको देखेंगे, तो 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, 2012 में, 2014 में, 2017, 2020 का जो पैटर्न क्या रहा क्वेश्चन का, तो यहाँ पे जरा सा आप लोग को ध्यान देना है कि मैथ, साइंस, आर्ट्स, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आए थे कब, तो 2010 का जो एग्जाम हुआ था। देख सकते हैं आप, रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर नहीं आए थे, मतलब कि रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन हो सकता है कभी एक दो प्रश्न रीजनिंग के भी दे दिए जाए। इसमें कोई सिलेबस गारंटेड नहीं होता है बिहार पुलिस में, खास करके कोई चीज गारंटी के साथ नहीं बोला जाता है कि यही चीज आएगा और ये चीज नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग पढ़ते होंगे, बहुत ज्यादा रीजनिंग पढ़ रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, लेकिन आपको ये पता नहीं कि रीजनिंग के एक भी प्रश्न इसमें पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम कभी कभी रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो फिर क्या फायदा आप लोग को रीजनिंग पढ़ने से। आप लोग के कहने पर हम इसका सिलेबस का ही वीडियो बना देंगे, एक बेहतरीन वीडियो, मतलब कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं सिलेबस पर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसके लिए, हम बना देंगे। फिर यहां देखिएगा 2010 में पूछा गया मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, साइंस से देखिएगा 30 क्वेश्चन, और ये लगभग सेम पैटर्न फॉलो करता है साइंस का। और यहां देखिएगा साइंस में 30 क्वेश्चन, आर्ट्स में मतलब कि ये ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, विविध हो गया, ये सबसे मिला के 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बताइए कि 100 नंबर के एग्जाम में अगर 45 क्वेश्चन आर्ट्स से आ रहे हैं तो आपको उस पर फोकस करना होगा। आर्ट्स में देखिए हम लोग 45 क्वेश्चन आए, हिंदी में देखिए 11 क्वेश्चन, हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, काफी इजी हिंदी पूछे जाते हैं, आप लोग को 10 दिन 15 दिन कम से कम अच्छे से हिंदी पे जरूर ध्यान देना है। फिर देखेंगे हम लोग इंग्लिश से, इसमें 4 क्वेश्चन आए थे जो अलग अलग एग्जाम में वेरी करते रहता है अलग अलग डेट में। फिर देखेंगे 2012 में हम लोग देखेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो किया था, मतलब 2010 में जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन 2012 में सेम पूछा गया, मतलब उतना ही क्वेश्चन। फिर 2014 का जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें भी सेम तरह के क्वेश्चन आए थे, इतने ही क्वेश्चन, मतलब 10, 30, 45, 11, 4 तरह के क्वेश्चन सेम पूछे गए थे 12 और 14 में। इसको समझ लिया आप लोग। अब देखिए 2017 में हम लोग आते हैं, 2017 में जो एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का, उसमें मैथ के मात्र 7 क्वेश्चन आया। अभी देखिए आप लोग 10 क्वेश्चन फिर 7 क्वेश्चन, मतलब एवरेज अगर आप रख सकते हैं तो 10 क्वेश्चन के करीब मैथ से आते हैं। और मैथ से भी कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। साइंस में देखेंगे तो 38 से 40 क्वेश्चन। अब बताइए 38 से 40 क्वेश्चन देख के आप लोगों को लगा होगा कि साइंस पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 38 से 40 क्वेश्चन साइंस से आया, जबकि यहाँ पे देखेंगे 30 क्वेश्चन आए थे, तो ये अलग 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 डेट में वेरी कर रहा है, यहाँ देखिएगा। फिर आर्ट्स में देखिएगा कि 32 क्वेश्चन आर्ट्स से पूछे गए थे, ये ज्योग्राफी हिस्ट्री से। फिर हिंदी आ गए 11 क्वेश्चन, जो कि यहाँ भी 11 क्वेश्चन था। इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया, 8 से 10 हो गया, ठीक है, इंग्लिश 8 से 10 पूछा गया। फिर देखेंगे हम लोग 2020 में अगर आते हैं 2020 के एग्जाम में, तो यहाँ मैथ में देखेंगे 10 क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे मैथ के करीब करीब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, 10 क्वेश्चन के करीब ही मैथ में पूछा जा रहा है। साइंस में देखेंगे 30 क्वेश्चन, तो फिर आप समझ में आ गया होगा 2020 का हम बात कर रहे हैं, 2020
एग्जाम हुआ है जो बिहार पुलिस का, उसमें 30 क्वेश्चन लगभग साइंस से पूछे गए हैं, साइंस से 38-40-30, मतलब करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से जरूर आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, बायो से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, फिर फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से आएगा। तो इस चीज को हम अगले वीडियो में जरूर क्लियर करेंगे। फिर आर्ट्स से देखेंगे हम लोग 40 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि 40 क्वेश्चन का वेटेज अगर आर्ट्स का है तो इसको पढ़ना जरूरी है, ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, फिर ज्योग्राफी से। फिर देखिएगा यहाँ पे हिंदी के 10 क्वेश्चन, हिंदी सेम चल रहा है, मतलब हिंदी को भी पढ़ना है, हिंदी एक लूसेंट का बुक आता है उसे पढ़ लीजिएगा, हिंदी काफी अच्छे से दिया गया है। फिर इंग्लिश भी 10 क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश को भी पढ़ना है आपको, इसी एग्जाम के लिए इंग्लिश को भी पढ़ना है। तो इतना जो देख लिया आप लोग सब्जेक्ट, और रीजनिंग का जहां तक हम बात कर लें कि रीजनिंग इसमें आते हैं, कभी कभी एग्जाम में आप देखेंगे, मतलब कि हम 2014 के एग्जाम में देखे थे, 2017 के एग्जाम में देखे थे, 2-3 रीजनिंग, मतलब 1-2 रीजनिंग दे दिए जाते हैं, उसको भी मैथ के रूप में ही पूछता है, मतलब उसमें मैथ के रूप में ही रीजनिंग को पूछ लेता है, लेकिन रीजनिंग होता है तो वो आपसे बन जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपने समझा कि इसका कॉम्बिनेशन किस टाइप का होता है, कोडिंग आपने समझ लिया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करना है ये बता दें आपको अंतिम में। तो सबसे आपको मेहनत करना है सबसे पहले साइंस पे, साइंस अगर आपका पढ़ लेते हैं आप अच्छे से तो क्वेश्चन आपके नहीं छूटेगा, क्योंकि आर्ट्स का पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, आप उसे कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आर्ट्स आपका उतना जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। साइंस के बाद आप आर्ट्स पे फोकस करिएगा, आर्ट्स में भी आपको हिस्ट्री पे ज्यादा मेहनत करना है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो कहे तो आपको डिटेल वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें एकदम पूरा डिटेल में हम बता देंगे कि कहां कहां से आपको पढ़ना है और क्वेश्चन किस टाइप से आपको आएंगे, है ना, तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा आपके लिए। फिर आर्ट्स आप लोग देख लिए, उसके बाद आपको मेहनत करना है मैथ पे, थोड़ा सा मेहनत करना है अर्थमेटिक पे, तो ये 3 चीज पे अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो बाकी की चीज पे आप खुद भी बाद में जब समय मिले तो उसमें मेहनत करिएगा। अभी से आपको ये 3 सब्जेक्ट पे मेहनत करना है ताकि ये 3 सब्जेक्ट मेरा कवर हो जाए, उसके बाद हम छोटे छोटे सब्जेक्ट को आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एक सिलेबस कह सकते हैं, टेक्निकल सिलेबस कह सकते हैं इस टाइप का वीडियो, और भी हम वीडियो इस पर लाते रहेंगे आप लोग के हेल्प के लिए, तो बस हमसे जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियोस पहले भी डाले, वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया कि मतलब बिहार पुलिस में सेटिंग किस प्रकार से होता है, कौन लोग सेटिंग करवाते हैं, सेटिंग का आधार क्या होता है, तो इस तरह का वीडियो भी डाला गया है मेरे चैनल पर आप लोग को जागरूक करने के लिए। तो वो वीडियोज का लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा या प्लेलिस्ट के नीचे आप जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया।